उसमें बड़े प्रोजेक्ट करने से जितना पानी मिलता, जितना बिजली मिलता, जितना इरिगेशन होता, उससे ज्यादा फायदा होता। और प्रोजेक्ट का मैडम, बड़ा प्रोजेक्ट करने से, बड़ा हाइट का डैम करने से 16,200 करोड़ खर्चा होगा। अगर 3 बैरेज करेंगे तो मैडम 9,000 करोड़ में खर्चा हो जाए, लगभग आधा कॉस्ट में प्रोजेक्ट हो जाता। और मैडम इसके साथ बड़ा प्रोजेक्ट करने से कल के दिन में प्रोजेक्ट कुछ किसी वजह से अर्थक्वेक हो गया, डैमेज हो गया, तो करीब 45 लाख लोग प्रभावित होंगे। और रात में हुआ तो लोग मर भी जाएंगे, 45 लाख लोग। तो ये मैडम इतने सारे जब विकल्प है, कम कॉस्ट में खर्चा में प्रोजेक्ट हो जाएगा, उसको भी हमको कोई उत्तर मिला नहीं मंत्री महोदय से। तो इससे हमको पता नहीं चलता है कि केंद्र सरकार मंशा क्या है, क्या करना चाहते हैं। जिसमें अगर 3 बैरेज करेंगे, एक बात उसके मैं प्रश्न करूंगा, अगर 3 बैरेज करेंगे तो मैडम सिर्फ 72 गांव डूबेंगे, जबकि ऊंचा डैम करेंगे तो 306 गांव डूब रहे हैं, करीब 2 लाख लोग वहां प्रभावित होंगे। तो हमारा प्रश्न ये है मैडम कि बिना पल्ली सभा किए उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ये प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, ये तो हमको समझ में आता है। ये कानून के, देश के कानून के विरुद्ध है। क्वेश्चन है मैडम, बिना पल्ली सभा के कैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर चल रहा है तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था और अभी काम प्रोग्रेस पे है। जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा कि आंध्र प्रदेश के करीब 221 गांव इससे अफेक्टेड हैं। अभी तक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की पब्लिक हियरिंग शुरू नहीं हो पाई है। अभी 2 जून 2016 को एक मीटिंग बुलाई गई थी जल संसाधन मंत्रालय में, उसमें दोनों प्रदेश सरकारों को कहा गया है कि जल्द से जल्द पब्लिक हियरिंग शुरू करें, क्योंकि प्रोजेक्ट काफी आगे के स्टेज में जा चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है और 1980 में ही दिनों प्रदेश सरकार इस पर सहमत हुई थी। तो इस स्टेज पे प्रोजेक्ट को रोकना तो उचित नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं भी उड़ीसा या छत्तीसगढ़ की कोई समस्या है तो केंद्र सरकार उसमें साथ है बिल्कुल पूरी तरह से। हमने निवेदन किया है कि ग्राम सभाओं की पब्लिक हियरिंग शुरू की जाए और जो भी समस्या है केंद्र सरकार को बताई जाए। मैडम ये तो हमको समझ में आता नहीं है कि प्रोजेक्ट चल रहा है बाद में ग्राम सभा कर रहे हैं, जब प्रोजेक्ट जबरदस्ती से केंद्र सरकार करना ही है तो ग्राम सभा करने का मतलब क्या होता है? फिर डुबा दें जबरदस्ती, जितना मारना है मार दें, 3 लाख लोगों को वहां डुबा दें, ये क्या मतलब होता है कि फॉर्मेलिटी हम क्यों ग्राम सभा करेंगे जब प्रोजेक्ट चल ही रहा है? ये क्या हुआ? तो उत्तर हुआ मैडम, ये जबरदस्ती है कि जब लोग सुप्रीम कोर्ट में भी केस पारित है, ग्राम सभा होने प्रोजेक्ट चल रहा है। तो दूसरा प्रश्न है मैडम, जब हमने प्रस्ताव दिया था कि 9000 करोड़ में छोटे छोटे बैरेज में ज्यादा पानी मिलेगा, ज्यादा बिजली उत्पन्न होगा, तो आज के दिन में भी मैडम करीब आधा पैसा खर्चा बच जाएगा प्रोजेक्ट में। तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि आज के दिन में भी क्या केंद्र सरकार प्रस्तुत है कि 3 बैरेज करें ताकि ज्यादा पानी मिलेगा, ज्यादा उत्पन्न होगा और लोग डूबने से मर जाएंगे? मैडम धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें करीब 1,88,000 लोग जो अफेक्टेड होंगे वो आंध्र प्रदेश के हैं। और जहां तक माननीय सदस्य ने कहा, चूंकि प्रोजेक्ट काफी लेट स्टेज में पहुंच चुका है तो इस समय भी कोई भी चेंज मुमकिन नहीं है। जो भी अफेक्टेड इलाका है वो सबरी नदी और उड़ीसा में सिलाऊ नदी के वजह से है। जैसे माननीय सदस्य, बैक वाटर से जो भी प्रॉब्लम होगी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गोपाल कृष्णन की कमेटी बनाई थी जो CCC के मेंबर रहे हैं, उनके द्वारा 2 सुझाव दिए गए थे कि या तो एम्बैंकमेंट बनाई जाए दोनों प्रदेशों में या अफेक्टेड लोगों को वहां से विस्थापित किया जाए। दोनों सरकारों की तरफ से जो भी सुझाव आएगा, एम्बैंकमेंट बनाने का सुझाव आएगा तो केंद्र सरकार बनाने के लिए तैयार है। अगर सुझाव आएगा कि कुछ लोग विस्थापित होने से तो उसके लिए भी केंद्र सरकार कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। विद्युत महतो अध्यक्ष महोदय, मैं चांडिल के सुवर्णा का बहुउद्देश्य परियोजना, विगत 40 साल से ये परियोजना चल रही है, पिछले 4 साल में इसको राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया गया है, लेकिन लगभग 84 मौजा को डुबा दिया गया है, ना हुआ विस्थापित को पुनर्वास किया गया है, ना विकास पुस्तिका का इसको दोबारा उसको लाभ मिला है, ना ही किसी को नौकरी मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूँ कि ये जलाशय का पानी झारखंड होके उड़ीसा तक जाएगा, ये परियोजना 40 साल होने के बाद भी आज पूरा नहीं हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये परियोजना कब तक पूरा होगा? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय,
चूंकि विस्थापितों को मदद करने का पैसा केंद्र सरकार से जाता है, लेकिन विस्थापितों को कंपनसेशन देने का काम प्रदेश सरकार का है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि कब तक कंप्लीट होगा, अभी एकदम से मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्रदेश सरकार से जो भी वो आएगी कि कंपनसेशन देना है, केंद्र देने के लिए तैयार है। थैंक यू मैडम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द फ्लावर। आई विल नीड टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। मैडम ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लावरम यू नो इन दिस हाउस व्हाट इज हैपनिंग। मैडम विदाउट एनी ऑर्डर्स विदाउट एनी परमिशन द नेशनल प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द फ्लावरम and seven mandals from my constituency they shifted to the Andhra. We are not against to the construction, but we are asking, we are requesting the government to reduce the height of the project, madam. Because of the height of the project, the Bhadrachalam the mandir, the Ram mandir also going to be affected and submerged in the Polavaram project, madam. And another question, madam, there is a big debate is going in the green tribunal and there is no environmental construction, but by hook or crook they want to construct the Polavaram. The Adivasis are there, you know the fate of the Adivasis, madam. They are eligible to get the 13th land acquisition scheme, but government is not giving. So I request through you, madam, to the honorable minister, kindly consider our request and decrease the height of the Polavaram and consider the government orders and court orders also. Thank you, madam. No, I am asking. सदस्य ने कहा कि टेम्पल टाउन ऑफ भद्राचलम ये सबमर्जेंस में नहीं आ रहा है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि भद्राचलम का मंदिर सबमर्जेंस में नहीं आ रहा है और इसकी इन्वायरमेंट क्लियरेंस 25/10/2005 को इस प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंट क्लियरेंस हुई थी। सब चीजें क्लियर हैं ऑलरेडी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 324 श्री धनंजय महारी श्री हीना कावी डॉक्टर हीना कावी 324 मिनिस्टर सर सभा पटल पर रखा गया है। थैंक यू मैडम स्पीकर। मैडम स्पीकर थ्रू यू आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर वेदर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू यूज द फंड्स ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट द ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट एंड इफ सो द डिटेल्स देयर। माननीय अध्यक्ष महोदय जो आज तक नेशनल हाईवे की हमारी स्थिति है इसको बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज तक कुल मिला के 1,03,000 नेशनल हाईवे हमारे पास और अगले दिन में और दूसरा 1,00,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना है और 1,00,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना है। ऐसी स्थिति में हमारे पास कुल मिला के 8,00,000 करोड़ रुपीज की आवश्यकता है और ये आवश्यकता को फिलफुल करने के लिए हम PPP मॉडल पर जा रहे हैं और ये PPP मॉडल पर जाने के लिए हमने BOT, BOT, NUT, BOT, हाइब्रिड BOT, NUT और TOT चार मॉडल को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए EPC मॉडल से बना हुआ जो नेशनल हाईवे है उसको एक दो साल के बाद दो साल उसका टोल टैक्स के बाद हम उसको TOT में कन्वर्ट करने के लिए अभी एक योजना बनाई है और ये योजना के तहत हम आगे काम करेंगे। Ma'am, I would like to know from the Honorable Minister the details of operational national highway projects which are completed under the public fund which are identified for potential monetization using the toll operate transfer model in Maharashtra. Thank you. जो जब महाराष्ट्र का विषय है तब अभी तक जो योजना पूरी हो चुकी है ये योजना को हमने डिसाइड किया है कि 75 योजनाएं अभी देश में हम TOT के माध्यम से अगले दिन में उसको लेने के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की भी ऐसे दो योजना है, दो नेशनल हाईवे है, उसको हम भविष्य में जो EPC मोड से बना हुआ है उसको हम भविष्य में TOT मोड में ले सकेंगे। आन शंकर नीनामा माननीय अध्यक्ष महोदया
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान सड़कों और राजमार्गों में ब्राउन फील्ड परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सड़क निर्माण के पर्यटक के क्षेत्र में राजस्थान की असीम पर्यटन संभावनाओं के दृष्टि से नई ब्राउन फील्ड परियोजना को वित्त पोषित करने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है। क्या इसके लिए निजी कंपनियां या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता की ली जा रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि देश में नेशनल हाईवे की क्षमता बढ़ाने के लिए हमने जो योजना बनाई है उसमें ब्राउन फील्ड एनुटी योजना भी शामिल है और ये योजना के तहत नहीं केवल कोई एक राजस्थान में लेकिन सारे देश में हमने ये मॉडल में 40% गवर्नमेंट की इक्विटी रहेगी और बाद में जो कंसेशनर है वो और बैंक से फंड लेके ये रास्ता का निर्माण हो करना है और ये करने के लिए मैडम हमने ये योजना बनाई है सारे देश के लिए, नहीं केवल राजस्थान के लिए, देश के संदर्भ में। इसलिए है कि ऐसे हमें हाइब्रिड एन्युटी के पर जाने से तो फायदा होगा, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए उसका देखभाल भी हो पाएगी और गवर्नमेंट को जो अपनी इक्विटी लगानी है वो भी कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा रास्ता बनाने के लिए जो हमने पीपीपी मॉडल बनाया है वो पीपीपी मॉडल के तहत से देश में आज हम तय करते हैं और उसमें बीड भी करते हैं। कितने रास्ते ऐसे होते हैं हम बीओटी से निर्माण करते हैं, कितने रास्ते ऐसे होते हैं हम बीओटी एनयूटी से करने के लिए डिसाइड करते हो, और कितने रास्ते ऐसा होते हैं जो कोस्टल क्षेत्र में ज़्यादातर है जहाँ शायद ट्रैफिक कम हो, वैसी स्थिति में इन्वेस्ट करना, कोई कंसेशनर आगे न आए वैसी स्थिति में हम 40% गवर्नमेंट की इक्विटी से हम हाइब्रिड एनुटी से रास्ता का निर्माण करते हैं। श्री दुष्यंत चौटाला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि 8.5 लाख करोड़ की आज भी जरूरत है देश के हाईवेज बनाने के लिए, पर हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जहाँ 2 लेन हाईवे को 4 लेन को 6 लेन जब करते हैं, जब टोल लगाया जाता है, दुनिया भर के अंदर नई सड़क के निर्माण के लिए टोल लगाया जाता है, पर हमारे देश में ये क्यों है कि जो एग्जिस्टिंग सड़क है उसको कारपेट कर नेशनल हाईवे का नाम दिया जाता है और उस पर टोल कलेक्शन का काम सरकार करती है, माननीय मंत्री जी देश को बताने का काम करती है। नेशनल हाईवे का मतलब माननीय अध्यक्ष महोदय यह होता है कि जिसकी देखभाल स्टेट हाईवे के अलावा नेशनल हाईवे करेंगे, उनके लिए मरामत नेशनल हाईवे करेंगे, उनका उसको चौड़ा करना है, लंबा करना है, सभी काम नेशनल हाईवे करेंगे। माननीय सदस्य श्री ने बताया और प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने अच्छा कहा था कि रास्ता है तो गति है और गति है तो प्रगति है। कोई भी देश को प्रगति करना है तो आवश्यक है रास्ता का निर्माण करे। हमने विरासत में 92,000 किलोमीटर रास्ता मिला था, हमारी सरकार ने तय किया है कि अगले दिन में हमने दूसरा 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे निर्माण करने के लिए हमने समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है। हम इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री को मैं बताना चाहता हूँ कि इतना पैसा की आवश्यकता होती है और ये पैसा का हम कहाँ से ये पैसा की व्यवस्था करेंगे, तो हम ईपीसी मोड से, हम बीओटी मोड से, हम पीपीपी मॉडल से एक उसकी क्षमता हम प्राप्त करेंगे, पैसा जुटाएंगे और हम रास्ता का निर्माण करेंगे। इसलिए देश में 1 लाख किलोमीटर रास्ता का निर्माण करने के लिए हमने योजना बनाई है, योजनाबद्ध हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए हमने पीपीपी मॉडल का हमने एक्सेप्शन किया है। ओके। मोहन भाई कुंडरिया जी। चाहता हूँ कि टीओटी के माध्यम से कितना प्रोजेक्ट गुजरात में अभी फाइनल किया है, उसमें कितना प्रोजेक्ट चालू किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी को मैं बताना चाहता हूँ कि टीओटी एक नई योजना है और अगले दिन में 75 जो नेशनल हाईवे है उसको हम उसमें लेने वाले हैं। उसमें गुजरात में हमने बामणबोर सामखियाली, बामणबोर गारामोर, पालनपुर तांबा और आबू रोड, एक कुल मिला के 4 रोड और पोरबंदर भिलाड़ी और भिलाड़ी जेतपुर के कुल मिला के 5 रोड हम अगले दिन में टीओटी मोड में
वो ले लेंगे और उसके लिए टोल और टोल बेस्ड ऑपरेशन के लिए हम उसकी व्यवस्था करेंगे। प्लीज प्लीज बार बार आपको रिक्वेस्ट है, चर्चा करना हो चर्चा कर सकते हो मगर पूरे हाउस को डिस्टर्ब मत करो। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। क्वेश्चन नंबर 325 श्री दिवाकर रेड्डी। माय क्वेश्चन इज 325 मैडम। मैडम स्पीकर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय फर्स्ट क्वेश्चन मैडम, वेदर इन द लाइट ऑफ द रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑफ द कंट्री ऑन कोल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन द गवर्नमेंट हैज कंसर्न मेजर्स टू डिक्रीज इंपोर्ट ऑफ कोल, इफ सो डिटेल्स देयर ऑफ including alternate means of producing energy. Number two, whether the government has signed any agreement with other countries to augment the supply of thermal energy in the country, if so, the details thereof. Third, whether there is any agreement to transfer surplus thermal power produced in one state to power deficit state, especially during times of natural disasters like flood and droughts, if so, the details thereof, if not, this is there. Yeah. Madam Speaker, this is a very composite question, but it shows the concern of the Honourable Member in this subject. I'm very delighted to share with the August House to you, Madam, that this government believes that India has to be energy secure. We have to ensure domestic supply of coal, and towards that end we have ramped up the production of coal within India. We have been able to bring down the import of coal significantly in the last 2 years, and you'll be happy to know that as against 48.5 million tons used in domestic thermal plants out of import in 14-15, we have been able to bring it down to 37.1 million tons in 15-16, and further to only 13.2 million tons in 2016-17 up to October. It very clearly shows that India is moving towards self-reliance when it comes to coal. Even this 13 million tons is largely imported by private players. Out of that, more than 9 million tons is by private players, whereas sufficient coal is available in India, and we would urge them also to stop imports and take domestic coal. As regards the steps to augment production, they are all very well known and defined. Unfortunately, the members of the opposition may not be able to appreciate the kind of honesty and transparency with which auction of coal mines took place. It is very difficult for them to accept that Coal India was able to increase production by almost 7% in the first year and 8.6% in the second year, because during that time coal was always in short supply and growth was barely 1 or 2-3%. Sadly, for decades India remained an energy deficient and coal deficient state. It is only the persistent and honest efforts to change the scenario to power surplus and coal surplus that has changed the situation. As regards the supply of excess power to neighboring states or to neighboring countries, I am happy to inform the Honorable House that during disasters, we make special allocations on the central sector out of the unallocated pool. Other than that, today the country's power surplus at any point of time on Vidyut Pravah app, you can see how much power is available in the grid, which can be transmitted easily all across the country, and therefore no part of India is ever starved for power anymore. Thank you. I just heard the Honorable Minister's reply, in which he has bracketed all non-ruling parties as opposition. I would like to clarify that we were not involved in any coal scam, so you should clarify that. First thing, ma'am, the coal production, increase in coal production should also keep the humane angle in view.
in Orissa, in my constituency in Talcher, where the minister himself has visited several times, many villages are being uprooted without any proper notice, and jobs have not been offered in the old villages where, you know, where they were displaced earlier. Jobs have not been offered by Mahanadi Coalfield Limited, and today they are being removed to places in other panchayats where there is social friction. The MCL, the ministry is not taking care. So being inhuman just to ensure proper coal production and not taking care of the people is not a development. Development should be for people, not for companies. This is the opinion. I would like to know if the minister would take care and instruct the state government and MCL to take care of the people who are being displaced right now, today. They are being displaced today, madam. Madam Speaker, at the outset, I would like to clarify that I have not bracketed all the opposition parties. It was the parties who were in power before the Modi government came in. As regards culture, I'd like to reassure the honourable member and the August House through you, madam, that this government is extremely sensitive to the interests of the poor, to the deprived and sections of society in rural India who have to forego their land or their normal livelihood for encouraging coal production, and every step is taken to ensure their well-being and their proper resettlement. Every village that has to forego land is in consultation with the state government. The district administration takes the final call on that. Mahanadi Coalfield Limited cannot, and I repeat, cannot arbitrarily take any village away for coal mining. However, if there are any such cases, I will have them examined. The important thing about jobs that he raised, there is a set criteria for jobs. Any villager who loses 2 acres, he is provided a corresponding job in the company. But it is not possible often to accommodate all the problems, it is not possible always to accommodate all the people from one village necessarily in the same mine where that village is located. And therefore a little bit of relocation is a natural part of the business. Coal India is one entity. It has several subsidies. We try our best to keep the people within the subsidy, not necessarily within a particular mine of his choice. I'm also happy to share with the Honourable Member that this government, led by Prime Minister Modi, has introduced the District Mineral Fund. And this has been a revolutionary step where 30% of the royalty is given directly to the local district administration. And the DMF is administered by the local people for the welfare activities in the local area. Lastly, ultimately when coal production increases, it is the state which gets the total royalty and the money out of auction. Centre does not keep 1 rupee out of it. Thank you. Please. Listen to me. आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से आप पीछे के सदस्य को शैडो करने की कोशिश करते हैं ये भी अच्छी बात नहीं है क्यों वो भी उतने ही जनप्रतिनिधि हैं जितने आप हैं तो I am giving warning to you don't do that I am sorry yes. House stands adjourned to meet again at 12 o'clock